जांजगीर क्षेत्र के 7 गांवों के 22 किसानों से 77 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। एक व्यापारी पर किसानों ने आरोप लगाया है कि धान लेकर किसानों को राशि नहीं दी गई है। मामले को लेकर किसान सिटी कोतवाली थाना पहुंचे और इसकी शिकायत की है। इसके बाद मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जांजगीर के रहने वाले आशीष अग्रवाल, जो कि धान खरीदी का काम करता है, हमारे जांजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत जरवेचा, बनारी, कुटरा, खैरा, पनगांव, नवागढ़, मेहंदा एवं अन्य ग्रामों से भी किसानों से जो है धान खरीदी किए हैं। धान खरीदी के बाद पश्चात उनको जो है पैसे जो है ना दे करके इनको चेक दिया गया है और चेक की राशि अभी तक उनको दी नहीं गई है। इस संबंध में शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जल्दी इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए अगली कार्रवाई की जाएगी। लगभग 77 लाख के आसपास की राशि अभी किसानों ने लिख करके दी है। प्रभावितों के मुताबिक धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर की गई है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से जल्द जांच कर न्याय की मांग की है। 7,91,200 रुपया के हमन के हो रही से 860 बोरी धान ता 7 लाख के चेक दही से भाई ता चेक ला लेके बैंक में गए हैं तो फर्जी बता थे भाई मैच नहीं खा थे साई हाँ ता परेशान होके घर मन में जात रहे तो हमला भगा देती से वहाँ ला भर्ती है एडमिट है भाई बेंगलोर में ऐसे के भगा देती से भाई। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।